गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कैसे कैसे पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट 2010। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट 2010 चैप्टर 5। ठीक है, इसका ये है आपका चैप्टर 5 क्लास क्लास 6। ठीक है, क्लास 4 क्लास 4 ए एंड बी का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एमएस पावर पॉइंट 2010। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमएस पावर पॉइंट को ओपन कैसे करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक, स्टार्ट अ पावर पॉइंट। तो अगर हम स्टार्ट अ पावर पॉइंट पर देखें तो आपके क्या है, कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। वो स्टेप क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना, फिर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन आएगा और फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, 7, 12 जो भी आपके पास इंस्टॉल्ड है, जो भी आपका वर्जन इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, आप उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेप होगी, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बटन ओपन करेंगे। ठीक है, पानी पड़ने पड़ जाते हैं। एक और तरीका है एमएस पावर पॉइंट ओपन करने का, और वो क्या है, एक और शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको सपोज करो ये स्टार्ट बटन, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इससे बेटर एक विंडो बटन होता है। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स होते हैं जिनमें बने हुए 4 स्क्वायर बॉक्स, उस बटन के साथ अगर आप आर को प्रेस करते हैं, आर, तो आपके सामने ये रन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पी ओ डब्ल्यू ई आर पी एन टी, पी ओ डब्ल्यू ई आर पी एन टी। इसे लिखने के बाद अगर आप ओके करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, एम एस पावर पॉइंट जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ओके किया, यहाँ से ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक प्रेजेंटेशन पे काम किया था। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन 1 आएगा। ठीक है, अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमें ओपन कैसे करना है, मैंने दो तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जो ये पावर पॉइंट देख रहे हैं इसमें क्या है, विंडोज़ के कुछ पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, पावर पॉइंट विंडो के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एम एस पावर पॉइंट विंडो के पार्ट्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, पार्ट्स ऑफ एम एस पावर पॉइंट विंडो। ठीक है, और वो पार्ट्स क्या है, टाइटल बार, रिबन, फाइल टैब एंड स्लाइड पैन। ठीक है, स्लाइड पैन एंड लास्ट वन इज स्टेटस बार। ठीक है, लास्ट वन इज स्टेटस बार। तो ये क्या है, 6 इस पे क्या है, पार्ट्स हैं किसके, एम एस पावर पॉइंट विंडो के। तो हम पहला देखते हैं टाइटल बार, जो सबसे टॉप में दिख रहा है आपको, प्रेजेंटेशन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ, ये क्या है, टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार है। टाइटल बार के नेक्स्ट आता है आपका रिबन। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये जो नीचे पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, स्लाइड्स, ये पूरा जो हमें दिख रहा है, अलग अलग टैब में अलग अलग क्या है, रिबन्स हैं, ये सारे क्या हैं, रिबन्स हैं। ठीक है, रिबन के बाद आता है आपके पास फाइल टैब। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फाइल टैब। ठीक है, ये फाइल टैब है, और फाइल टैब कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द रिबन। फाइल टैब कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है ना, ये पूरा रिबन है और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, फाइल टैब है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास स्लाइड पैन। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा एरिया जिसमें क्लिक टू ऐड टैग टाइटल लिखा हुआ, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये क्या है, स्लाइड पैन। ये मेन वर्किंग एरिया ऑफ अ पावर पॉइंट शो, ये क्या है आपका, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये है स्लाइड पैन। ठीक है, और ये क्या है, मेन वर्किंग एरिया, मेन वर्किंग एरिया ऑफ एम एस पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट विंडो, यानी सारा काम जो होगा वो स्लाइड पैन में ही होगा। ठीक है, तो स्लाइड पैन क्या है, इट्स अ मेन वर्किंग एरिया ऑफ अ एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, डॉटेड लाइन का बॉक्स दिख रहा है, अब दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर बॉक्स जो डॉटेड लाइन में बना है, ये आप यहाँ पे देखेंगे
डॉटेड लाइन में जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ये क्या है, प्लेस होल्डर। यानी अब प्लेस होल्डर क्या है, अ डॉटेड बॉक्स, अ बॉक्स विद अ डॉटेड लाइन। ठीक है, प्लेस होल्डर इज अ बॉक्स विद अ डॉटेड लाइन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट में देखें, आप नीचे सबसे नीचे ये है स्टेटस बार। ठीक है, ये क्या है, स्टेटस बार है। ये नीचे जो दिख रहा है आपको स्टेटस बॉटम, देखो टाइटल बार कहाँ होता है टॉप में, और स्टेटस बार कहाँ होता है बॉटम में, बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। और यहाँ पे क्या क्या है, स्लाइड्स ऑफ वन, यानी कितनी स्लाइड्स है, नंबर ऑफ स्लाइड्स बताएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, और कौन सी वाली स्लाइड्स पे आप काम कर रहे हैं। और ये देखिए जूम इन जूम आउट, यानी हम स्लाइड्स को बड़ा छोड़िए, देखिए अगर मैं इसे यहाँ करती हूँ तो ये जूम इन हो गया, ऐसे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट हो गया। ठीक है, हम इसे बड़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जूम इन मीन्स बड़ा करना, जूम आउट मीन्स छोटा करना। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये है स्लाइड शो, अगर हमें इसे शो करना है। ठीक है, एक स्लाइड शॉर्टर, अगर आपने 10-20 स्लाइड्स यूज़ करी हैं तो वो स्लाइड शॉर्टर क्या करेगा, एक रो में सारी शो को, स्लाइड को शो कर देगा। अभी हम बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। थर्ड स्लाइड शो। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटस बार के कुछ बटन्स हैं। ठीक है, ये हो गया स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर एंड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, पावर पॉइंट ओपन किया। ठीक है, और अब इसमें क्या करेंगे, एक स्लाइड आई, बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आती है, ये जो हमने पहले देखे थे ना, ये बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आई। अब ये यहाँ पे आउटलाइन व्यू दिख रहा है, आपको दो व्यू दिख रहे होंगे, ये क्या है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, स्लाइड्स एंड आउटलाइन टैब, ये दो टैब दिख रहे हैं, ये स्लाइड टैब है और ये आउटलाइन टैब है। आउटलाइन टैब में क्या होगा, सिर्फ आपका टेक्स्ट दिखेगा, जो भी आपने लिखा हुआ है उस स्लाइड में वो दिखेगा। और स्लाइड्स के अंदर क्या दिखेगा आपको, स्लाइड्स टैब के अंदर जो भी आपने स्लाइड्स बनाई है उसका स्मॉल व्यू दिखेगा। ठीक है, आउटलाइन टैब में क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, और स्लाइड टैब में क्या होगा, टेक्स्ट प्लस जो भी आपने स्मॉल व्यू दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी, तो एक स्लाइड हमने ऐड की, हमें एक दूसरी स्लाइड ऐड करनी है। तो ये जो होम टैब है, ये होम टैब है, होम टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्लिप बोर्ड में, इस क्लिप फर्स्ट क्लिप बोर्ड में यहाँ पे क्या लिखा, न्यू स्लाइड, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग थीम मिल जाएंगी, इन थीम में से आपको कोई एक थीम चूज करनी है। ठीक है, तो मैंने अभी टाइटल स्लाइड से, देखो अब यहाँ पे देखिए दो स्लाइड हो गई ना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड अ स्लाइड। ठीक है, और क्या किया हमने, होम टैब में जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लिया, तो क्या होगा, एक स्लाइड थीम आएगी वहाँ पे, और उस थीम में से हमें क्या करना, एक स्लाइड चूज करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने दो स्लाइड्स ऐड कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना, थर्ड हमें एक स्लाइड में क्या करना, पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो हमने एक और स्लाइड ले ली यहाँ से, ये वाली। ठीक है, ठीक है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये बटन आ रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, यहाँ से आपको क्या करना है, पिक्चर चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर पे देखेंगे, अब जो भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर होगी वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट मी सी वेयर इज द पिक्चर इन माय कंप्यूटर, यहाँ से पिक्चर्स। ठीक है, एंड ठीक है, वेट, लेट मी सर्च द पिक्चर। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे जाके ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पिक्चर आ गई हमारे किसमें, स्लाइड में। ये देखिए आप यहाँ पे जो स्लाइड टैब है, ये स्मॉल व्यू दिखा रहा है ना, यहाँ पे हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इंसर्ट अ पिक्चर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में और पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और चूज करेंगे जो भी पिक्चर आपको, पिक्चर ऐड करनी है।
ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, एक पिक्चर चूज करके यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने क्या करा, इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर लाइब्रेरी से एक पिक्चर चूज करके यहाँ स्लाइड पे हमने पिक्चर ऐड कर दी, ठीक है। अब अगर हमें स्लाइड ऐड करनी, तो आपको पता चल गया ना स्लाइड ऐड करने के लिए क्या करना है, इंसर्ट पे जाके, ठीक है, सॉरी होम टैब में न्यू स्लाइड, होम टैब में न्यू स्लाइड, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अगर हमें स्लाइड ऐड करना है तो क्या करना है, होम टैब में न्यू स्लाइड एंड जस्ट सेलेक्ट द स्लाइड, ठीक है, सेलेक्ट द स्लाइड। ये हमें इस तरीके से क्या करना है, आपने इसमें जो भी लेआउट आपको चूज करना है, इससे मैंने दो इमेज वाला लेआउट चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक इमेज डाल दी और एक यहाँ पे भी एक इमेज डाल दी, ठीक है। आप अलग अलग इमेज यूज कर सकते हैं, और अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही डाली है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से मैंने दो फोटोज डाल दी, ठीक है। तो एडिंग स्लाइड्स आपको आ गया होगा, एडिंग स्लाइड्स के लिए काम करना है, होम टैब में न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आपका डिलीटिंग द स्लाइड। सपोज हमने क्या किया, एक और स्लाइड ऐड कर दिया, इसमें हमने लिखा थैंक यू, ठीक है, ठीक। तो ये लास्ट स्लाइड हमने थैंक यू लिख दिया, और एक हम और स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास कितनी स्लाइड्स है, यहाँ नीचे देखिए कितनी स्लाइड्स हो गई, 6 स्लाइड्स हो गई। स्टेटस बार में क्या कर रहा है, 6 स्लाइड शो कर रहा है, ठीक है। हमें जो लास्ट 6 वाली स्लाइड है, इस पर हमने कुछ भी गलती से हमने कुछ लिख दिया या कुछ भी हमने लिखा है, हमें इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, सेलेक्ट करो इस स्लाइड को, स्लाइड टैब्स में जाके राइट क्लिक एंड डिलीट स्लाइड, ठीक है, राइट क्लिक एंड डिलीट स्लाइड। ये देखिए अब 5 स्लाइड्स आ गई है, हमने वो स्लाइड डिलीट कर दी, ठीक है। अगर आप आउटलाइन टैब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा, सिर्फ टेक्स्ट। आउटलाइन टैब में क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट, जो भी हमने स्लाइड 5 स्लाइड्स बनाई है उसमें क्या क्या टेक्स्ट हमने लिखा वो शो होगा, एंड स्लाइड्स में क्या होगा वो उसका स्मॉल व्यू दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया डिलीट अ स्लाइड। अब अगर हमें इस प्रेजेंटेशन को सेव करना, तो क्या फाइल बटन में जाएंगे, सेव ऑप्शन, सेव पे जाके आप स्लाइड का नाम जहाँ भी आपको सेव करना, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव किया है, इसका नाम मैंने लिखा है क्लास 4 ए प्लस बी, या सिंपल हमने इसे नाम दे दिया चैप्टर 4, ठीक है, और इसे सेव कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 का नाम क्या हो गया, चैप्टर 4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट, हमने जो स्लाइड बनाई है इसको हम देखना चाहते हैं, स्लाइड शो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो स्लाइड शो के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये टैब आ रहा है, ये टैब आ रहा है ना स्लाइड शो का टैब, यहाँ पे जाएंगे स्लाइड शो टैब में, और यहाँ पे आएगा फ्रॉम बिगनिंग, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए सबसे पहली स्लाइड कौन थी, स्लाइड पैन। एंटर बटन से नेक्स्ट स्लाइड खुल जाएगी, एंटर बटन से नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी, अगेन एंटर से नेक्स्ट स्लाइड, और अगेन एंटर से लास्ट स्लाइड, इस तरीके से आपका स्लाइड शो आएगा, ठीक है। अगर आपको, या तो आप कहाँ से जाएंगे, स्लाइड शो टैब, अगर हमें स्लाइड शो करनी है तो स्लाइड शो टैब में जाके यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट, कस्टम स्लाइड शो। कस्टम मीन्स हम अपने हिसाब से, सपोज करो हमने 10 स्लाइड बनाई लेकिन हमें 2 को शो करना है, तो हम कस्टम स्लाइड शो का यूज़ करेंगे। फ्रॉम करंट स्लाइड मीन्स हम अभी सेकेंड स्लाइड पर, हम इसका स्लाइड शो व्यू देखना चाहते हैं, तो वो क्या कहाँ से शुरू करेगा, जिस स्लाइड पे हमारा पॉइंटर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ का, थर्ड स्लाइड से, फिफ्थ स्लाइड में था ना वो, फिफ्थ से स्टार्ट करेगा, और स्लाइड शो में आपके पास नेक्स्ट है फ्रॉम बिगनिंग, तो स्टार्टिंग अगर आपने 10 स्लाइड बनाई है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, जो भी आपने स्लाइड स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक शॉर्टकट की है F5, ठीक है। F5 अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कीबोर्ड से अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे, किसको, F5 को, तो देखिए मैंने F5 प्रेस किया और प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, कहाँ से, स्टार्टिंग से, और एंटर बटन से आप नेक्स्ट 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 करके उसे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्लाइड्स को क्लोज करना है, तो कैसे करेंगे, फाइल टैब में जाके क्लोज का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और ये फाइल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है, फाइल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी।
सेफ मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, इसे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये कहेगा डू यू वॉन्ट टू सेव, अगर आपको इसको कोई दूसरा नाम देना, हमें नहीं, हमें चैप्टर फोर ही रखना, तो हमने येस कर दिया, नहीं, ठीक है, ये हमने सेव कर दिया, ये क्लोज हो गया। अब जो हमने स्लाइड बनाई है ओपन करना है उसे, सेव स्लाइड को, तो यहाँ पे फाइल बटन पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, वो लोकेशन चूज करेंगे जहाँ पे हमने वो फाइल बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, हमने डॉक्यूमेंट से बनाई थी, किस नाम से बनाई थी, चैप्टर फोर नाम से, तो हमने इस पे क्लिक किया और ओपन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका पावर पॉइंट का काम कंप्लीट होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल वर्क ऑफ एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप इसे कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट के, जो पावर पॉइंट विंडो के क्या क्या हैं, पार्ट्स हैं, टाइटल बार, रिबन, ठीक है, प्लेस होल्डर, ये सब आपको पता चल गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, ठीक है, और स्टेटस पार्ट, ये हमने क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन में ऐड टेक्स्ट देखा, पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, व्यू कैसे करते हैं, ये ऑप्शन हमने चेक किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, इस आई होप आपको इतना क्लियर होगा, नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।